तुम्हारी YouTube चैनल कैसे है आप सब। तो आई होप जो पिछले लेसन में हमने राग कवर किए हैं वो सारे राग आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी ताल। तो ताल शुरू करने के लिए रेडी हो जाइए क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स गो। दोस्तों आज जो ताल हम सीखने वाले हैं उस ताल का नाम है रूपक ताल। ठीक है, किसी भी ताल के इंट्रोडक्शन के लिए हमें चार चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। पहली मात्राएं, दूसरा विभाग, तीसरा ताली, चौथा खाली। उस ताल में कितनी मात्राएं हैं, मात्राएं लिख के उसके आगे डैश लगा के उतनी मात्राएं लिख देनी है। जैसे रूपक ताल में 7 मात्राएं हैं तो मात्राएं लिख के डैश 7। रूपक ताल के विभाग 3 है, 3 विभाग है तो 3 लिख देंगे। देन ताली, रूपक ताल में 2 मात्राओं पर ताली है, 4th मात्रा पे और 6th मात्रा पे तो 4, 6। खाली किस पे है, पहली मात्रा पे तो खाली लिख के डैश 1। ओके, ताल का इंट्रोडक्शन हो गया। अब ताल को लिखेंगे कैसे, पहले मैं आपको लिखना दिखा देती हूँ फिर मैं आपको बोलना सिखाऊंगी। ओके, तो अब आते हैं लिखने वाले फॉर्मेट पे। देख लीजिए स्क्रीन पर, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पहले लिखा हुआ है मात्रा, देन नीचे बोल, फिर नीचे चिन्ह। अब इसमें मात्राएं कितनी है बताया मैंने आपको इंट्रोडक्शन में, 7 मात्राएं हैं तो हम मात्रा लिख के गैप गैप पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिख देंगे। 3 विभाग है, 1, 2, 3 पार्टीशन यानी विभाग, 4, 5 विभाग, 6, 7 विभाग क्लोज। ओके, अब आते हैं बोल पे। बोल है इसके ती ती ना धी ना धी ना। ठीक है, अब आते हैं इसके चिन्ह पे। चिन्ह किस तरह लगाए जाते हैं, कैसे पता चलेगा कि क्या चिन्ह, कैसे चिन्ह। यस, तो चिन्ह लगाने के लिए मैं आपको बता दूं 3 तरह के चिन्ह होते हैं। एक तो क्रॉस होता है, 0 होता है और 2, 3, 4, 5 काउंटिंग्स होती हैं इसमें। चिन्ह इस प्रकार लगाए जाते हैं, अगर पहली मात्रा पर खाली है या ताली है, खाली हो या ताली हो, पहली मात्रा के नीचे हमेशा क्रॉस चिन्ह ही लगता है हर ताल में। ये बात आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए, बिठा लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इस बात को। पहली मात्रा के नीचे क्रॉस, देन मैंने आपको बताया ना पहली मात्रा पर खाली है तो खाली वहां पे खत्म हो गया, लेकिन खाली के लिए 0 डिनोट करते हैं हम। यहाँ पे पहली मात्रा पे इसलिए सिर्फ क्रॉस लगा है, वरना अगर किसी और मात्रा पे खाली होता, माना कि से फॉर एग्जांपल 4 पे खाली होता तो हम जैसे 4 के नीचे 2 लिखा है, 2 की जगह 0 लगाया जाता। ठीक है, अभी यहाँ पे 4 पे ताली है तो हम 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 6 पे ताली है फिर हम 3 लिखेंगे। ओके, कभी भी ताली 1 से शुरू नहीं होती है, अगर हमें ताली दर्शानी है तो वो 2, 3, 4 से ही चलती है काउंटिंग। आप लोगों को समझ में आ गया, अगर कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है दोस्तों, ताली इस तरह लगाई जाती है, ती ती ना धी ना धी ना। अब देखिए मैंने हाथ हवा में क्यों घुमाया, क्योंकि खाली है पहले पे तो खाली, ती ती ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 4 और 6 पे ताली थी, हमने ताली लगाई, पहले पे खाली थी, हमने खाली छोड़ दिया। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, अब हम बोल के साथ करके देखते हैं इसको, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना। इसकी आप 10 बार प्रैक्टिस करेंगे आई अश्योर यू हो जाएगा, याद हो जाएगी वाली ताली आपको। अब ये तो हो गई एक गुण कि हम स्लो स्लो इसको एक एक बारी में बोल रहे हैं एक ही वर्ड को। अब दुगुन लगाने सीखेंगे हम। इसमें ये होता है कि एक गुण, दुगुन, तिगुन, चौगुन, 4 गुण होते हैं एक ताल को सीखने के लिए। ठीक है, अभी हमने एक गुण सीखा है। दुगुन में ये होता है, इस दुगुन में भी सेम ही मात्रा चलेंगी, सेम ही चिन्ह चलेंगे, बस बोल में डिफरेंस आ जाएगा। बोल में डिफरेंस कैसे आएगा, तीतीना धीना धीना है ना ये ताल, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे दुगुन में। ठीक है, 2 बार बोली जाएगी ये, बस ये है कि पहली मात्रा पे 2 ताल के 2 स्वर आएंगे, जैसे ती ती वो एक ही मात्रा पे आ जाएगा, फिर नाधी
वो दूसरी मात्रा पे आ जाएगा, ठीक है। दो दो स्वर एक साथ हो जाएंगे, और उसके नीचे डिनोट करने के लिए अर्धचंद्र लगाया जाता है कि ये स्वर एक साथ हैं एक मात्रा में, ठीक है। अब हम मैं आपको बताती हूँ दुगुन कैसे बोलनी है। देखिए इसको इस तरह लगाएंगे, ती नाधी नाधी नाती ती नाधी नाधी ना। आप इसको जितना फास्ट लगा सकें आप कोशिश कीजिएगा फास्ट लगाने की, आपकी हेल्प होगी ताकि आप आगे वो आप फास्ट लगा पाएंगे। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी वीडियो। प्लीज़ शेयर कीजिए इनको 12th वाले स्टूडेंट्स के साथ जिनके लिए मैंने कंटेंट तैयार किया है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच ही गए हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ प्लीज़ चेक कीजिएगा ज़रूर, और अगर पसंद आए तो फॉलो भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में हम तिगुन और चौगुन करने वाले हैं रूपक ताल की, और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की ताल सीखेंगे। तो बाय।